मुबारक हो, शीघ्र ही हम तालिबान को पछाड़ देंगे। हमारा नाम अफगानिस्तान से ऊपर आ जाएगा सांप्रदायिक नफरत में। ये कहाँ आ गए हम? हम ऐसे तो ना थे। हमारा भी स्कूल था, हमारे भी टीचर्स थे, मेल टीचर्स भी थे, फीमेल टीचर्स भी थे। मुझे याद है जब मैं क्लास थर्ड में होंगी तो मुझे चिकन पॉक्स हो गया था। कई दिनों तक स्कूल नहीं पहुंची। मेरी एक टीचर मेरे घर आई मुझे देखने, और जब मैंने वापस ज्वाइन किया तो मुझे बहुत ध्यान से रखा, बहुत प्यार से रखा। विजुअल्स मैंने जानबूझकर नहीं डाले, हिम्मत ही नहीं पड़ी। मुजफ्फरपुर में एक महिला टीचर तृप्ता त्यागी, जो कि प्रिंसिपल भी है नेहा पब्लिक स्कूल की, सुना है विकलांग है, मानसिक रूप से नहीं शारीरिक रूप से। उन्हें बहुत गर्व है कि बच्चों की इस तरह की दूसरे बच्चों से पिटाई उनको सुधारने का एक अच्छा तरीका है। उन मैडम ने एक बच्चे को जो कि मुस्लिम समाज का था, उसे कम्युनल कमेंट्स करते हुए उसके होमवर्क ना करके आने पर दूसरे बच्चों से थप्पड़ पर थप्पड़ लगवाए। वीडियो में मैंने सुना था, कह रही थी कि जोर से नहीं मारा जाता तुमसे, चेहरा लाल हो गया है, दूसरी जगह मारो। उनका कथन मैंने तो डिक्लेयर कर दिया है, जितने भी मोहम्मदन बच्चे हैं इनके यहां से चले जाएं। बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा था। मेरा पहला सवाल, कहां चले जाएं? तृप्ता के बाप का राज्य है क्या? जितना अधिकार तृप्ता के बच्चों का है या अन्य बच्चों का है शिक्षा पर, उतना ही उस बच्चे का भी है। सबके लिए शिक्षा अनिवार्य है संवैधानिक रूप से। शायद इसीलिए लोग संविधान से नफरत करते हैं, इसे बदलना चाहते हैं, जबकि संविधान की बदौलत ही आप शिक्षिका बन पाई हैं। वरना घर में पड़े पड़े अपनी विकलांगता के साथ आप नरकीय जीवन बिता रही होती। चूल्हा चौका बर्तन और घर की चार दीवारी ही आपकी सीमा होती। दूसरी बात यह है कि महिलाओं को तो दया ममता करुणा की देवी कहा जाता है। मैं तो वीडियो में भी हिंसा नहीं देख पाती हूँ, किसी को पिटते हुए नहीं देख पाती हूँ, और आपको उसके आंसू, उसका रोना नहीं दिखा। कितना बड़ा क्राइम था उसका, कितनी सजा होनी चाहिए थी होमवर्क ना करने की। अगर किसी वजह से आपका बेटा उसकी जगह होता तो क्या आप उतनी ही इंटेंसिटी से दूसरे बच्चों से उसको थप्पड़ पे थप्पड़ मरवाती? नहीं, बात सजा की नहीं है, बात सिर्फ यह है कि वह एक मुस्लिम बच्चा है जो कि होमवर्क करके नहीं आया। आपको अपनी नफरत और जाहिलियत दिखाने का मौका मिल ही गया। भला हो उस व्यक्ति का जिसने वीडियो बना लिया, वरना आपका ये नफरती और हिंसक चेहरा दुनिया नहीं देख पाती। पता नहीं आज तक आपने कितने बच्चों को अपनी इस नफरती मनोवृत्ति का शिकार बनाया होगा। इतने ही बच्चों ने स्कूल आना छोड़ दिया होगा, पढ़ाई छोड़ दी होगी, और ऊपर से कहते हैं ये पढ़ते नहीं है। कारण है आप जैसी टीचर्स, जिनके आतंक के कारण कई बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। रोहित वेमुला का सुसाइड एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर था, पायल तड़वी का सुसाइड एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर था, आदर सोलंकी का सुसाइड इंस्टीट्यूशनल मर्डर था, डॉक्टर पंपोष का सुसाइड एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर था। जाने ऐसे कितनी हत्याएं हो जाती हैं इंस्टीट्यूट के द्वारा, उनके भेदभाव के द्वारा। अरे कबीरदास जी का दोहा तो आपने भी पढ़ा होगा, लोगों को पढ़ाया भी होगा। गुरु कुम्हार शिश कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, भीतर हाथ सवार दे बाहर मारे चोट। परंतु आपको देखकर गुरु द्रोणाचार्य याद आते हैं, जो एकलव्य का अंगूठा ही मांग लेते हैं ताकि वो पढ़ ना पाए, या थप्पड़ पर थप्पड़ मारते हैं ताकि बच्चा स्कूल से नाम कटा ले। अगर मारने पीटने से ही बच्चों को सुधारा जा सकता तो बताइए आपकी इस नफरती मनोवृत्ति को कैसे सुधारा जाए? आपको किससे थप्पड़ पर थप्पड़ लगवाए जाए? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2000 में कॉर्पोरल पनिशमेंट बैन कर दिया है, 2010 से कानून भी बन गया है। तृप्ता त्यागी जी, आप तो मणिपुर की भीड़, जिन्होंने दो युवतियों की नग्न परेड करवाई थी, उनका गैंग रेप किया था, उससे भी ज्यादा खतरनाक निकली। उनकी प्रवृत्ति तो जग जाहिर है, आपकी तो छुपी हुई है। वो जातीय गुंडे थे,
और आप एक सांप्रदायिक एवं जातीय शिक्षक, शर्म आती है आपके महिला और एक शिक्षक होने पर। मैं इस कृत्य का कड़े शब्दों में विरोध करती हूँ। उन्हें तत्काल इस पद से हटाया जाए, उन्हें इसकी सजा भी मिले। सभी स्कूल्स में सीसीटीवी कैमरे जरूर लगने चाहिए, ताकि माँ बाप की आंखों के तारे ऐसे प्रताड़ित ना हो, और अगर हो भी तो उन्हें पता चल सके। अपने ही सहपाठियों से पिटने के बाद आप सोचिए उस बच्चे की मनोदशा क्या होगी। सुना है बच्चा सदमे में है। सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि वे देखें कि कहीं आपके बच्चे इस सांप्रदायिक नफरत के सदस्य तो नहीं बनते जा रहे हैं। अब आप उस बच्चे को तो स्कूल से निकाल लेंगे, दूसरे स्कूल में डाल देंगे। क्या गारंटी है कि वहां ऐसे नफरती शिक्षक नहीं होंगे? उत्तर प्रदेश सरकार से गुजारिश है कि सभी शिक्षकों को एथिक्स का पाठ पढ़ाया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, ताकि हम नेशनल शेम से बच सके। अगर मेरा बच्चा होता तो मैं स्कूल की और उस तृप्ता त्यागी की बुनियाद ही हिला देती। महिलाएं सिर्फ शोषित ही नहीं होती, हिंसक और नफरती भी होती हैं जब बात जाति की आती है, जब बात धर्म की आती है। तृप्ता त्यागी के घर पर बुलडोजर चलाया जाए, उसको ऐसी सजा दी जाए कि आगे लोग 10 बार सोचे इस तरह की हिंसा को उकसाने पर।